इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जितने भी हमारे कॉरपोरेटर चुन के आए हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। एक ऐतिहासिक बात है कि इतने कॉरपोरेटर बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन में हमारे कॉम के चुन के नहीं आए थे, और दुआ करते हैं कि आगे चल के इससे भी बढ़ते जाए। मेरी एक ही एडवाइस है सभी से कि अपने वार्ड का काम चलते ही रहता है, वो तो करना ही पड़ता है, अपना वार्ड का काम करें, गरीब और जो जरूरतमंद है उनको देखे, लेकिन साथ ही साथ आपकी कोई भी सोच हो या किसी भी चीज की आपस में, हम यही चाहते हैं कि आप सब एक कौम के बच्चे एक मुट्ठी बन के रहे। बिल्कुल जद्दोजहद के साथ इस गुलदस्ते को सजाने में लगे हैं और आज वो जवान हो गया और फल भी दे रहा है। माली का काम होता है कि बागीचा सींचता है, पानी देता है, मगर उसके फल उसके मरने के बाद पीढ़ियों तक और कयामत तक नस्लें दर नस्लें उसको खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये इदारा जवान हुआ है, उसके पीछे काफी मेहनतें लगी हैं। उन मेहनतों में जरूर भी जरूर हाजिरीन तो होंगे, कुछ बातें आएंगी। सूरह यूसुफ में मैंने एक जगह तफसीर पढ़ा रूह मानी में कि उसके अल्लामा ये फरमाते हैं कि जब तक किसी इंसान को मंजिलत नहीं मिलती उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई तोहमत जिना न लग जाए। हज़रत यूसुफ का मकाम वहाँ पहुँचना था, हज़रत आयशा का मकाम वहाँ तक पहुँचना था कि आपकी शान में सूरह नूर नाजिल होना था, अल्लाह की दवान से ताहरा कहलाना था, ये इससे ना तोहमत जिना लगे। तो ऐसे बहुत सारे तकारीर इस रास्ते में आते हैं, मगर एक कुव्वत बाज़ू को जब इंसान मजबूत करता है तो फिर वो थकता नहीं है, वो बस अपनी मंजिल को वो देखता है कि ये मेरा फल कयामत तक सारी दुनिया को नफा देने वाला काम करे। तो रंजी से कभी तनख्वाहों के मसले में कभी और चीज़ों में आती रहती है, मगर हम ये समझे कि ये वो इदारा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जरिए से इज्जत दी है, तो मौत तक इसमें लगे रहने की और इसके लिए काम करने की, एक दूसरे का ताउन करने की, हाथ बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुबारक और बाबरकत महफिल में अल्लाह ताला ने ऐसे प्यारे और नूरानी बच्चे जो कल कयामत में अंबिया की सफा में होंगे, शहदाओं की सफा में होंगे, आज उन चेहरों को देखने का अल्लाह ताला ने हमें खुश नसीब अदा किए। तो जो बैठे हुए बाकी जो अफराद हैं जो मदरसे के जिम्मेदार हैं भरपूर जी जान से इदारे का ताउन भी करते रहें, असातिज़ा की ताउन करते रहें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, ऐसे रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह ये इदारा शहर बेलगाम के लिए बेहतरीन जो है वो निखर करके सामने आएगा। मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब उलमा को आपस में मोहब्बत के साथ और उफ़त के साथ रहने की, एक दूसरे का ताउन करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं खुसूसन हज़रत मौलाना बिलाल साहब का अखीर में शुक्र अदा करता हूँ कि हमें इस लायक समझा कि इतने बड़ी भीड़ जो उलमा की थी उसमें से हमें दावत दी, हमें मजबूत किया और हमारा काफ़ी एहसास किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अदा फरमाए और कुव्वत बाज़ू को अल्लाह ताला मजबूत करे, और जो इन्होंने इरादे और प्लानिंग मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर के लिए किया है अल्लाह ताला उसमें उनकी खूब रहबरी और रहनुमाई फरमाए। बात बतावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर सदी ना
سے گزارش ہے ہم اس علم کو اور آگے بڑھائیں اپنے قرآن کریم کو اتنا پختہ بنائیں کہ ہمارا کوئی ثانی نہ ہو قرآن کریم کی یاد کرنے میں اور قرآن کریم جہاں پر رفع درجات کے ذریعہ ہے اور وہاں پر اس کے لیے جو ہے ناراضگی کے بھی ذریعہ ہے اگر قرآن کریم کو ہم نے غفلت کی بنا پر ضائع کر دیا تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی چیز بھی ہے تو جتنا یہ اپنے اندر اعزازات کو لیے ہوئے ہیں اتنے اپنے اندر وعیدوں کو بھی لیے ہوئے ہیں اس لیے حضرت سے گزارش ہے کہ اپنے دور مکمل کریں اور ماشاء اللہ ہمارا یہ ادارہ اس علاقے کے اندر جو ہے امتیاز شان رکھتا ہے اور جس نے بہت کم مدت میں ایک بڑا اونچا مقام حاصل کیا